चांडिल में, ऑनलाइन क्या करेंगे, रजिस्ट्री करवा लिया। आप भी समाज से आते हैं, संगीत समाज भूमिक समाज से आते हैं, तो ऐसे में क्या समाज के लिए कोई काम नहीं किया? समाज के लिए कोई काम नहीं है, अपने विकास किया, अपने विकास किया। समाज इसके पीछे क्या कर रही? समाज ये जो है ना आदिवासी भूमिज समाज, निजी संस्था है ये लोग, उनसे उगाही के लिए चाहे किसी तरह का लाभ लिया, इसीलिए उसका फेवर में ये लोग बोल रहा। और नहीं तो उस समय आप चलते आ रहा ना, कभी राजनीतिक दल को या किसी को ये लोग एक तरफा किसी को साथ नहीं दिया। आदिम भूमिज मुंडा कल्याण समिति वो लोग कभी भी वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया है, ये लोग कर रहा निजी साथ के लिए। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरीके से, किस तरह देखते हैं इस चुनाव में आप लोग का जो समाज किस तरीके से फिर सामाजिक वो आज सामाजिक रूप से उनको दरकिनार कर दिया है, इसीलिए किसी तरह एन कन प्रकन रच के उनको जिताने का ये लोग प्रयास कर रहा। भूमिज समाज संजीव सरदार के प्रति नाराजगी है आज, इसीलिए हम संगठन को बचाने के लिए और संगठन का हित के लिए आज मैं बागी के रूप में, हमारे जो इंडिया गठबंधन है बागी के रूप में मैं लड़ रहा हूँ, और मेरा नेता राहुल गांधी ही रहेगा और झारखंड का नेता हेमंत सोरेन ही रहेगा। निश्चित रूप से समर्थन प्राप्त हो रहा, हो सकता है उसके साथ घूमे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंटरनली हमको समाज का साथ मिल रहा है। हम अभी त्रिकोणीय स्थिति में आ गए हैं, त्रिकोणीय आ गए हैं, हो सकता है जीत जाए, उम्मीद है। समाज से यही चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी समाज के जो नेता है, समाज को उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए आप लोग काम कीजिए, और समाज के जो छात्र छात्राएं उसको प्रशासन कीजिए कि बढ़िया से लिखे पढ़े और समाज को आगे बढ़ाए, और ये निजी साथ के लिए निजी कागजी संगठन बना के, पॉकेट संगठन बना के किसी का दलाली मत कीजिए।